कायरन पोलार्ड ने लगाई छक्कों की हैट्रिक तो पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने खोया अपना आपा। दोस्तों आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाएंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कप्तान रोहित शर्मा के 70 रन की पारी सहित बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कल किंग्स इलेवन पंजाब को एक तरफा अंदाज में 48 रनों से हरा दिया। धुआंधार बल्लेबाज कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या की जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने आखिर के 4 ओवर्स में पंजाब के गेंदबाजों के खिलाफ छक्के चौकों की बारिश कर दी, जिससे कप्तान केएल राहुल गुस्से में नजर आए। हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड ने मिलकर आखिर के 4 ओवरों में पंजाब के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने छक्के चौकों की बारिश करते हुए 4 ओवर में 77 रन बटोरे। अपने तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख कप्तान केएल राहुल ने 20वां ओवर स्पिन गेंदबाज कृष्णप्पा गौतम को दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड ने आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाते हुए 25 रन बटोर लिए और टीम का स्कोर 191 रन तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में कृष्णप्पा गौतम की पिटाई होते देख कप्तान केएल राहुल ने अपना आपा खो दिया और बीच मैदान में ही कृष्णप्पा गौतम को चिल्लाने लगे। हालांकि इसमें गलती भी राहुल की ही थी। आखिरी ओवर स्पिनर कृष्णप्पा गौतम को देना एक बड़ी गलती थी, जबकि सामने दो ऐसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और राहुल की यह गलती पंजाब पर बहुत भारी पड़ गई। दोस्तों केएल राहुल की इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैच के बाद अपने भाई कृणाल पांड्या से बातचीत करते हुए हार्दिक ने भी कहा कि वो आखिरी ओवर में स्पिनर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं हैरान हो गया, 20वें ओवर में स्पिनर को देखकर मुंह में पानी आ गया था। मैंने और पोलार्ड ने फैसला किया कि जो गेंद को मिस करेगा वो नॉन स्ट्राइकर छोर पर चला जाएगा और वो देखेगा। मैंने 2 गेंद मिस किया, लेकिन इसके बाद पोलार्ड ने ढेर सारे रन बनाए। दोस्तों केएल राहुल की खराब कप्तानी पंजाब की हार की बड़ी वजह बनी है। केएल राहुल पहली बार आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं और इस मैच में उन्हें अपने गेंदबाजों का सही प्रयोग करना नहीं आ रहा था। एक गलती उन्होंने ये की कि आखिरी ओवर स्पिनर को दे दिया। इसके अलावा शेल्डन कॉटरेल के ओवर उन्होंने पहले 15 ओवर में ही खत्म कर दिए, जो डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा जब शुरुआत में मोहम्मद शमी को पिच से मदद मिल रही थी तो उन्हें केएल राहुल ने अटैक से ही हटा दिया। दोस्तों आपके हिसाब से पंजाब की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, इस पर कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।